अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 5 करेंगे, द क्रूसेड्स, जो कि क्रूसेड कहा जाता है मिलिट्री अटेम्प्ट्स को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें अब इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रैंक्स कौन थे? 18वीं सेंचुरी तक वो इलाके जिनमें फ्रांस, जर्मनी और दूसरी छोटी कौमें जो कि वेस्टर्न यूरोप में मौजूद थी, वहाँ फ्रैंक का हुकूमत ग्रुप हुकूमत कर रहा था। ये बारबेनियंस थे, यानी नॉन रोमन्स थे, जिन्होंने रोम को फतह किया था 5वीं सेंचुरी में। एक फ्रैंकन प्रिंस जिसका नाम चार्ल्स मार्टल था, उसने उमायद को बैटल ऑफ टोर 732 में हराया और इसका नाम चार्ल्स महंगे पर गया, जिसका मतलब है चार्ल्स द ग्रेट। इसने हुकूमत की वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर और इसको किसी ने वहाँ चैलेंज नहीं किया, यानी कोई इसके मुकाबले नहीं था। इस दौर में तिजारती और सफारती ताल्लुकात यूरोपियन ताजर और अरब के दरमियान बढ़ गए थे। द ग्रेट साचिज़म का मतलब है द ग्रेट डिवीज़न। ये ग्रेट डिवीज़न हुआ जो कि मज़हबी तबाही का बाइस बना। दोनों वेस्टर्न जिसमें रोम शामिल है और ईस्टर्न जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपोल शामिल है। आधे रोमन एम्पायर ने क्रिस्टियनिटी को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर लिया था। जब हुकूमत के दो टुकड़े हुए तो वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, अलग हो गए, यानी उनमें बहुत डिफरेंसेस आ गए। वेस्टर्न चर्च के लीडर पोप ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था, हेड डिक्लेयर कर दिया था तमाम चर्चेस का, और जो चर्चेस ईस्टर्न यूरोप एम्पायर में थे वो इस बात से नाखुश थे, उन्हें उनकी ये बात पसंद नहीं आई। और 1054 सेंचुरी में क्रिस्टियनिटी यानी ऑफिशियली जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, ये बात मान ली गई थी। अब हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ मेंजिकर्ट जो कि तुर्की में मौजूद है। 11वीं सेंचुरी के एंड में जो कि होली लैंड था वहाँ पर जेरूसलम का, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना यूरोपियन क्रिश्चियंस के दरमियान। और 6वीं सेंचुरी से ही क्रिश्चियन वहाँ पर इबादत के लिए जाते थे क्योंकि वो इनके रिलीजन की बर्थ प्लेस थी, यानी वहीं पर इनके रिलीजन की शुरुआत हुई थी। जब तुर्क ने वहाँ का कंट्रोल ले लिया था तो उनको वहाँ पर इबादत करना मुश्किल हो रहा था और इस्लामिक लोगों के कब्ज़े में आ गए थे सीरिया, इजिप्ट, इराक, और इन ये सारे इलाके छूट गए थे ईस्टर्न रोमन से। साथ ही साथ एंटोलिया भी छूट गया था और इनका वेल डिफेंडेंट कैपिटल सिटी जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल था वो भी इनके हाथ से चला गया था। जो लीडर थे सेल्जुक तुर्क के जिनका नाम अलिप अरसलान था, और वो उन्होंने ब्रेक अटैक किया था बेजेंटीनियन आर्मी पे। हालांकि वो उनसे बेजेंटीनियन आर्मी जो है वो अलिप अरसलान की आर्मी से डबल थे, लेकिन फिर भी वो जीत गया और उसने बेजेंटीनियन एम्पायर रोमन फोर पे कब्ज़ा हासिल कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे द कॉसेज ऑफ द क्रूसेड्स यानी क्या वजह बनी थी मिलिट्री अटैम्प्ट्स की। क्रूसेड्स मैंने आपको बताया था मिलिट्री अटैम्प्ट्स को कहते हैं। नए बेजेंटीनियन एम्पायर जिसका नाम अलेक्जिस कॉमेनस था, उसने पर्सनल लेटर लिखा था इलेक्ट्रिक पोप को, यानी जो इलेक्ट्रिक होके आया था जिसका ताल्लुक रोम से था। अलेक्जिस ने पोप को कहा कि वो प्रोफेशनल सोल्जर्स भेजे ताकि उसकी मदद हो सके एंटालिया को कब्ज़े में लेने की, जो कि तुर्की में मौजूद है, जो उससे छूट गया था, और इसके बाद हो सकता है कि वो सीरिया पे भी कब्ज़ा हासिल कर लें। इस लेटर में लिखा गया था पोप को कि अगर उसने इतनी आर्मी भेजी जिससे अलेक्जिस को मदद मिल गई और उसने एंटोलिया लेने में यानी उस पर कब्ज़ा करने में वो कामयाब हो गया, तो जो भी आगे की ज़मीन पर वो कब्ज़ा करेगा वो पोप को देगा और फ्रेंक्स को देगा हुकूमत करने के लिए। इसमें होली सिटी जेरूसलम भी शामिल था। पोप अर्बन टू जाना जाता था, बहुत पावरफुल और एक्सपर्ट लीडर, और साथ ही साथ इसकी लाइकिंग यानी स्टेटमेंटशिप भी बहुत अच्छी थी। इसका एम ये था कि वो रीयूनाइट करे क्रिश्चियंस को अपनी अथॉरिटी के अंदर। तो उसने एक एक्साइटिंग स्पीच, राउजिंग कहते हैं, एक्साइटिंग स्पीच दी 10,000 से ज़्यादा भरे हुए मजमे को, जिसमें उसने इस लेटर की भी कोटेशन दी, यानी इस लेटर को भी कोट किया, इसमें जो अलेक्जिस ने लिखा था उस बारे में बताया। और कुछ ही हफ्तों में इसका मैसेज जो है फतह करने का वो फैल गया था पूरे यूरोप के अंदर। फिर प्रिंसेस, लॉर्ड्स और नाइट्स कहते हैं सोल्जर्स को, जो जितने भी वहाँ पे लोग थे फ्रैंक्स के, उन्होंने ओथ लिया यानी प्रॉमिस लिया यानी कि अहद किया कि वो जेरूसलम पे वापस कब्ज़ा हासिल करके रहेंगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।